सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, मनोज भाई सब संतन की, सनातन हिंदू धर्म की, गो माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और जुझारू अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारी सह प्रभारी श्रीमती विजया तेहराटकर जी, भागीरथ चौधरी जी, राजेंद्र गहलोत जी, जोगेश्वर गर्ग जी, रमेश सोनी जी, विजेंद्र पुनिया जी, जगदीप छाबा जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं राजस्थान में घूम रहा हूं तो जगह जगह मुझे अशोक गहलोत जी का फोटो देखने को मिलता है और उस फोटो के साथ लिखा हुआ है राजस्थान को 2030 में सर्वोत्तम राज्य बनाने के लिए आपका सुझाव दीजिए। अब 2023 में ये सुझाव मांग रहे हैं कि 2030 में राजस्थान को सबसे अच्छा राज्य कैसा बनाया जाए। आप सब लोगों से निवेदन है, आप अपना सुझाव भेज दीजिए। आप केवल इतना ही सुझाव भेज दीजिए, अशोक गहलोत जी आप घर बैठ जाइए, राजस्थान मोदी जी को सौंप दीजिए, 2030 में राजस्थान देश का सबसे बढ़िया राज्य बन जाएगा। ये परिवर्तन यात्रा लेकर हमारे सीपी जोशी जी निकले हैं। ये परिवर्तन जो करना है, ये केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं है, केवल मुख्यमंत्री का मंत्री का परिवर्तन नहीं है, ये जो परिवर्तन करना है ये सत्ता की जगह समाज का परिवर्तन हमें करना है। समाज के अंदर जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारे युवा हैं, इन सबके जीवन में परिवर्तन करना है, इसलिए ये परिवर्तन यात्रा यहाँ पर निकली है। दोस्तों, राजस्थान को एक ऐसी सरकार देनी है जो मोदी जी के साथ चले, मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर चले और मोदी जी की दिशा में चले, इस प्रकार की सरकार राजस्थान को हमको देनी है। आज हम देख सकते हैं हमारे देश के अंदर पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार का परिवर्तन मोदी जी ने लाया, आज भारत दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण देश बना है, हमारी साख देखते बनती है और एक वैश्विक नेता के रूप में मोदी जी उभरे हैं। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी ने अगर कोई की तो इस भारत में गरीबी के साथ लड़ाई करने का काम मोदी जी ने किया। अरे कांग्रेस ने बरसों नारा लगाया गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटी, गरीबी हटी लेकिन कांग्रेस के नेताओं की गरीबी हटी, आम जनता की गरीबी कांग्रेसी कभी नहीं हटा पाए। लेकिन अभी अभी यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया और उन्होंने कहा भारत में 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं और उन्होंने कहा मोदी जी ने 10 साल में जो करके दिखाया ये शताब्दी का सबसे बड़ा चमत्कार है, ये मोदी जी ने यहां पर करके दिखाया है। इसलिए आज जो परिवर्तन हम देख रहे, एक समय था भारत के कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो आम आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में व्यवस्था खा जाती है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा और आज देखिए क्या व्यवस्था मोदी जी ने तैयार की।
मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं तो 6,000 रुपया सीधा किसान के खाते में आता है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई गरीब का एक पैसा मार सकता नहीं, कोई किसान से पैसा मांग सकता नहीं। ये मोदी जी ने करके दिखाया, महिलाओं को, मजदूरों को सीधा खातों में पैसा जाता है, बिचौलियों का और दलालों का राज मोदी जी ने समाप्त कर दिया, इसलिए भारत आज आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जिन्होंने 125 साल भारत पर राज किया, ऐसे इंग्लैंड को भी हमने पीछे छोड़ दिया, अब उसके भी आगे हम चले गए, फ्रांस के भी आगे चले गए, इटली के भी आगे चले गए, और 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। अर्थव्यवस्था बड़ी बनती है तो सड़कें बनती है, पुलिया बनते हैं, रेलवे लाइन बनती है, लोगों के मकान बनते हैं, लोगों को शौचालय मिलते हैं, हर घर पानी जाता है। अर्थव्यवस्था बड़ी बनती है तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब अर्थव्यवस्था बड़ी होती है तो युवाओं के हाथ को काम मिलता है, क्योंकि बड़ी अर्थव्यवस्था ये रोजगार के अवसर पैदा करती है। आज ये रोजगार के अवसर पैदा करने का काम मोदी जी के माध्यम से चल रहा है। आज जब देश की तिजोरी में पैसा आ रहा है तो एक एक पैसा मोदी जी गरीबों के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी उस फकीर का नाम है जिसका कोई आगा नहीं, जिसका कोई पीछा नहीं, जिसको किसी के लिए कुछ ले जाना नहीं, जिसको अपनी संपत्ति तैयार करना नहीं। अरे मोदी वो व्यक्ति है जिसके जीवन का क्षण और क्षण और खून का कण और कण पूरी भारत माता के लिए समर्पित है, और इसलिए इस देश को अगर कोई बदल सकता है तो नरेंद्र मोदी जी बदल सकते हैं। और ये जो मोदी जी ने परिवर्तन लाया है, ये परिवर्तन राजस्थान में भी पहुंचना चाहिए। आज देखिए, राजस्थान में हर घर जल के लिए मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए दिया, 30,000 करोड़, लेकिन जल नहीं पहुंचा क्योंकि गहलोत जी की सरकार पूरा पैसा खा गई, और पैसा खाने के बाद ये डकार भी नहीं देते। इस प्रकार की ये भ्रष्ट सरकार आज हमको दिखाई पड़ती है। इसलिए दोस्तों, हमें परिवर्तन लाना होगा, ये सरकार मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार बनानी होगी, नहीं तो मोदी जी सरकार की गाड़ी को आगे ले जाएंगे और गहलोत जी गाड़ी को पीछे ले जाएंगे। न गाड़ी आगे बढ़ेगी, न गाड़ी पीछे जाएगी, ये विकास की गाड़ी यही रुकेगी। लेकिन मोदी जी के साथ देने वाले मुख्यमंत्री अगर राजस्थान में होंगे तो डबल इंजन की सरकार बनेगी, दोनों इंजन एक तरफ जाएंगे। मोदी जी के साथ विकास की पटरी पर हमारा इंजन कितनी तेजी के साथ जाएगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। अरे ये तो पृथ्वीराज चौहान जी की नगरी है, ये उनकी धरती है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने मोहम्मद घोरी को बार बार परास्त किया, ऐसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ये धरती है। ये धरती वीरों की धरती है, इस वीरों की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से मैं आया हूँ, और आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि इन लोगों को इनके औकात दिखाने की आप बारी आई है। मैं औकात इसलिए कहता हूँ कि ये जो इन्होंने इंडिया अलायंस तैयार किया है, इसका एक नेता कहता है कि ये सनातन तो ये मलेरिया डेंगू और कोविड जैसा है, मलेरिया डेंगू और कोविड को मार देना चाहिए और सनातन को भी समाप्त कर देना चाहिए। और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का बेटा प्रियंक खड़गे जो कर्नाटक में कांग्रेस का मंत्री है, वो भी कहता है कि ये सनातन जो है ये डेंगू जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। और फिर वही बात उत्तर प्रदेश में भी इनका मंत्री कहता है कि ये सनातन डेंगू जैसा है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। अरे करोड़ों करोड़ों लोग सनातन को मानने वाले, जिस सनातन को न मुगल समाप्त कर पाए, न कोई आक्रांता समाप्त कर पाया, इतने आक्रमण हुए 10,000 सालों से, इस सनातन को
कोई समाप्त तो नहीं कर पाया। आज उस सनातन को समाप्त करने की बात अगर कांग्रेस पार्टी करती है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है सनातन को समाप्त करने की, इस मानसिकता को समाप्त करने की आवश्यकता है। और इस मानसिकता को अगर समाप्त करना है तो इनको कुर्सी से उतारो, इनको राज से उतारो, इनको घर पे बिठाओ। सनातन की ताकत क्या है ये इनको दिखाओ। सनातन की ताकत जब दिखेगी तब ये लोग भी जय श्री राम का नारा लगाएंगे। सनातन की ताकत दिखेगी तो ये जय श्याम का नारा लगाएंगे। और इसलिए राजस्थान के देशाभिमानी स्वाभिमानी लोगों, अब मौका मत गवाना। अब मोदी जी के साथ जाने का मौका, विकास के साथ जाने का मौका और सनातन के साथ जाने का मौका आपको मिला है। इस मौके को आप निश्चित रूप से सफलता पूर्वक एक परिवर्तन के रूप में आ लाना। ये परिवर्तन होगा, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन यात्रा सफल होगी और राजस्थान मोदी जी के साथ जाएगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।